पनीर चिली बनाने के लिए हमें चाहिए कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच पानी का घोल, 1 चम्मच लाल मिर्च और पानी का घोल, अदरक लहसुन का पेस्ट, विनेगर, टमेटो केचप हम लेंगे, सोया सॉस हम लेंगे और हम लेंगे क्यूब में कटे हुए पनीर। तो यहाँ कंटेनर में हमने लिया है 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और ये हमने 1 चम्मच सोया सॉस लिया। और अब हम पानी डाल करके इसका घोल बना लेंगे। नमक आप थोड़ा कम ही लें, स्वाद अनुसार लें। और ये देखिए अच्छे से इसका घोल बना लीजिए। इस घोल में हम पनीर को डाल करके और तेल में इसे हम तल लेंगे। तो ये देखिए आप सारे पनीर इसमें डाल लीजिए, अच्छे से इसे मैरिनेट कर लीजिए। और अब घोल के साथ पनीर को ऑयल में फ्राई करते जाइए। ये देखिए इस तरह से हम सारे पनीर के क्यूब डाल करके 1 मिनट तक इसे फ्राई होने देंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम पनीर को एक एक करके डालेंगे तेल में, जिससे कि ये चिपके नहीं आपस में। देखिए एक साइड से इसे पकने देने के बाद हम इसे पलट लेंगे। ध्यान रखें कि ये चिपके नहीं आपस में। तो चलिए, यहाँ हमने एक और कढ़ाई जो है चढ़ा ली है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है गरम करने के लिए 2 बड़े चम्मच। यहाँ हमारा पनीर जो है वो फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं एक कंटेनर में। तो ये देखिए हमारा पनीर हो गया। अब हम दूसरी कढ़ाई में, जिसमें हमने तेल गरम किया था, उसमें हम प्याज, जिसे हमने बड़े बड़े काट लिया है पीसेस में, डाल देंगे। चलिए प्याज को भून लेते हैं। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे और बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे। सारी सब्जियों को अच्छे से मिला लीजिए और चला लीजिए और इसे पकने दीजिए। अब हम इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए कुछ देर पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च और पानी का घोल जो हमने तैयार किया था। ये देखिए इससे अच्छा कलर भी आ गया है इसमें। अब हम टमेटो केचप इसमें ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा सोया सॉस हम ऐड करेंगे इसमें। अच्छे से इसे चला लीजिए जिससे सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे।
एक बड़ा चम्मच, और इन सबको मिक्स कर लीजिए। लास्ट में हम इसमें पानी और कॉर्नफ्लोर का जो हमने घोल तैयार किया था वो डालेंगे और इसे मिला लेंगे। और ये हमारी ग्रेवी तैयार है लगभग, और इसमें हम पनीर जो हमने फ्राई किए थे वो डालेंगे और उसे अच्छे से सारी ग्रेवी के साथ मिला लेंगे। देखिए अच्छे से आप ग्रेवी के साथ मिक्स कर दीजिए पनीर को। इसे आप लगभग 5 मिनट के लिए पकने दें। अब हमने इसमें डाल दी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए, और अब हम इसे उतार लेते हैं फ्लेम से। तो ये देखिए बन करके तैयार है हमारी पनीर चिली। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।